ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज टॉपिक हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्री और मेंस के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि नियर अबाउट मिनिमम 7-8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब ये होता क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एक पैसेज दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट एक पैसेज होता है, उस पर बेस्ड 8 या 9 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, 10 से 12 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मिनिमम 8 क्वेश्चन होते ही होते हैं। एक पैसेज दिया जाएगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, तो उसमें से नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन तो होते हैं आपके रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पर। किस पर होंगे, अंडरस्टैंडिंग पर, कि आपने कितना समझा है पैसेज को और कितना उसमें से मीनिंग क्लियर मतलब समझ पाए हैं। उसमें से आपके बचे हुए क्वेश्चन जो 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, वो होते हैं आपके ग्रामर के ऊपर एंड वोकैब के ऊपर। ग्रामर एंड वोकैब, ये 2 चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। 5 से 6 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर और वोकैब के ऊपर होंगे। क्लियर हो गया, चलो। तो अब सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। एक तो तरीका है इसका कि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये सिंपल कब है, ये जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। मेंस में पैसेज छोटा होता है, वहां पर पढ़ना पड़ता है आपको सही से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत है। लेकिन प्री में क्या होता है, प्री में पैसेज बहुत बड़े होते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है स्किमिंग का। स्किमिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि आप पूरा पैसेज ना पढ़ो, स्टार्टिंग कहां से करो, आप जो क्वेश्चन दिया गया है पहले क्वेश्चन ही देख डालो, जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। सपोज एक क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन देखने के बाद क्या ऐसा मिला आपको, कुछ ऐसा उसमें वर्ड दिया गया होगा क्वेश्चन में, जिसको लेकर के आप पैसेज में आप स्किम कर सकते हो, उसको बहुत ही तेजी से रीड करके उसको देख सकते हो, कि क्या वो वर्ड उसमें पैसेज में दिख रहा है कहीं पर या नहीं। अगर वहां पर वो वर्ड दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर उसको सर्च कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके उसके बाद पैसेज को रिफर करना है, ये आपका प्री का मेथड। लेकिन जो मेंस का मेथड है, मेंस में आपको इस तरह सॉल्व नहीं करने होते। मेंस में आपको छोटा पैसेज होता है, उसको पूरा जितने भी उसमें दिए गए हैं मटेरियल, जो भी दिया होता है आपको पैसेज में, पूरा रीड करना है, उसको समझना है, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, क्या स्टोरी है, क्या आर्टिकल है, उसके बाद आपको आंसर करना स्टार्ट करना है, ठीक। तो अभी हम प्री का ही सॉल्व करेंगे। प्री में कैसे सॉल्व करेंगे, वही डायरेक्टली हम पहले कुछ पोर्शन देखेंगे पैसेज का, कि पैसेज में दिया क्या गया है, थोड़ा समझेंगे स्टोरी क्या है इसकी। अगर स्टोरी आप एक बार समझ लिए, तो पैसेज सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने दिया गया है पैसेज, क्या दिया गया है, थोड़ा फास्ट में रीड करूंगा, आप लोग भी समझिए थोड़ा सा। As the southwest monsoon continues to elude का मतलब होता है बच के निकलना, आगे निकलना है बच के। Delhi, Punjab and Haryana, it is wreaking havoc in parts of Himachal Pradesh and Uttarakhand. In Himachal Pradesh, Dharamsala, flood water swept through the street of Baksu Nag village, damaging parked vehicle. The instructed administration has district tourists to postpone their visit to Dharamsala in a view of heavy rain. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्पोक टू हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑन मंडे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू फ्लड्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड एश्योर्ड हिम ऑल पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द सेंटर। इन शिमला द नेशनल हाईवे नियर झाकरी इन द रामपुर एरिया हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी डाउन पावर। विजुअल्स ऑल्सो शो एन ओवरफ्लोइंग मांझी रिवर इन धर्मशाला वाइपिंग अवे नियरली 10 शॉप्स इन द एरिया। द स्टेट हैज बीन रीलिंग अंडर द थ्रेट्स ऑफ अ सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस एज टूरिस्ट फ्लोक टू पॉपुलर हिल स्टेशन लाइक मनाली एंड शिमला एंड इवन लेसर नोन रिट्रीट ऑफ नागर एंड जीबी। हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुडू हैड क्विप्ड ऑन सैटरडे दैट प्रोलॉन्ग वर्क फ्रॉम होम कल्चर हैज टर्न्ड इनटू वर्क फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। स्टेट्स सच एज उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर टू विटनेस्ड अ टोरेंशियल रेन। विजुअल्स फ्रॉम ANI शोज डेब्रीज फ्रॉम लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 नियर चमोली। इन अ सेपरेट इंसिडेंट 3 पीपल इंक्लूडिंग एन 8-year-old बॉय वर किल्ड एट अ विलेज इन उत्तराखंड आफ्टर देयर हाउस कोलैप्स्ड
इन अ लैंडस्लाइड कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेन्स। आगे क्या है, वेयर एज रजिस्ट्रेशन वर्क इज अंडर वे इन द वॉल्टर एरिया ऑफ कश्मीर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ हैवी रेनफॉल कॉज डैमेज टू द फ्लोर्स। ANI further reported, meanwhile the IMD has said that there are unfavorable conditions for the advance of the southwest monsoon over Delhi, some part of West Uttar Pradesh, some part of Punjab, Haryana and Rajasthan today. The weather agency said conditions are becoming favorable for the advance of monsoon over the remaining part of the country during the next 48 hours. The monsoon has also claimed the lives of 28 people in separate incident of lightning in Rajasthan and Uttar Pradesh. अब आपने एक चीज में देखा क्या कि मॉनसून आया हुआ है, साउथ वेस्ट मॉनसून की बात की जा रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, कुछ इंसिडेंट के बोले गए हैं, कुछ बोला गया कि रोड ब्लॉक हो गया है, कुछ ऐसा बताया गया कि शॉप्स बहके निकल गए हैं, कुछ लोगों की डेथ हुई है, इस तरह से कई सारे इवेंट इसमें हुए हैं एक साथ। ठीक, अब जो ये इवेंट हुए हैं जो यहाँ पर आपको पैसेज में दिया गया, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके वोकैब का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 से 3 क्वेश्चन वोकैब और ग्रामर की मिक्स आते ही आते हैं। क्लियर? तो चलो फर्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोलॉन्च। प्रोलॉन्च का मतलब क्या होता है ये पूछा गया इसमें, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब देखो सिनोनिम पूछा गया, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, मतलब जिसकी मीनिंग सेम हो। प्रोलॉन्ज का मतलब क्या है, बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहना। ठीक है, नेवर एंडिंग, मतलब जो खत्म ही ना हो। ठीक, तो एक वर्ड आपको दिख रहा है, एक तो यहां पर दिख रहा है अनस्टॉपेबल, ठीक, दूसरा है नेवर एंडिंग। अनस्टॉपेबल मतलब क्या है, ये हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं जो जिसको हम रोक ही नहीं सकते। नेवर एंडिंग का मतलब क्या है, जिसको रोक सकते हैं बट वो रुक नहीं रहा है, बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो ये प्रोलॉन्ज वर्ड है, ये होगा हमारा नेवर एंडिंग, ये इसका सिनोनिम है। क्या है इसका मीनिंग, नेवर एंडिंग इसका सिनोनिम होगा। अब्रिज का मतलब क्या है, जबरदस्ती कोई काम करना, ठीक है, लॉलेसनेस, ठीक है, विदाउट लॉ के। कर्टेल मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, कट करना। ठीक, तो इसका जो आंसर था वो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड इन सेंटेंस वन। अब ये देखो, एक में यहां पर मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है इसमें, वर्ड सफल। ठीक है, वर्ड सफल का मतलब क्या होता है, उन वर्ड्स को आगे पीछे दिया जाता है, उस सब उनको वर्ड को क्या करना है, सीक्वेंस वाइज रखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वर्ड देखो जहां पर रेड किया गया है फर्स्ट लाइन में, सेंटेंस क्या है, इंस्ट्रक्टेड वर्ड है ए पर, बी पर डिस्ट्रिक्ट वर्ड है, सी पर पोस्टपोन एंड हैवी रेन डी पर है। तो पूछ रहा है इसमें किस तरह हम इसको चेंज करें, किस तरह अरेंज करें, क्या इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो द इंस्ट्रक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर क्या होगा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आएगा इसमें, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, हैज के बाद क्या होगा, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज इंस्ट्रक्टेड, मतलब सुझाया है, बोला है ऐसा काम करने के लिए, हैज आया हुआ, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पर तो ए ही आएगा। तो बी के बाद क्या होगा, ए होगा। फिर क्या होगा, टूरिस्ट टू पोस्टपोन, ये सही है। यहाँ पर पोस्टपोन मतलब क्या है कि अभी तुम डिले कर दो उस चीज को, बाद में करना। पोस्टपोन द विजिट टू धर्मशाला इन व्यू ऑफ हैवी रेन्स, ये भी करेक्ट है। तो सी और डी लास्ट में करेक्ट थे, आपस में चेंज किसको करना था, ए और बी को आपस में चेंज करना था। तो पहले कौन सा होगा, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी ए सी डी। हो गया सभी का ये? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड में क्या दिया गया देखो, विच ऑफ द मेंशन स्टेट अबव हैव बीन एबल टू स्टे इंसुलेटेड बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक, इंसुलेटेड बोला है, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, बचना, ठीक है, अलग होना। कौन से स्टेट थे जो अलग थे
बच गए थे, ठीक है, किससे, साउथ वेस्ट मानसून से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है हमारा वहीं पर आपको दिया गया है, एज द साउथ वेस्ट मानसून कंटिन्यूज टू एल्यूड, एल्यूड का मतलब क्या है, इनको बचा करके वो आगे निकल गया है साउथ वेस्ट मानसून, किसको किसको, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये तीन स्टेट बचे हुए हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, अगर आप आंसर देखोगे क्या आएगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ऑल एक्सेप्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में, तो यहां पर देखो वर्ड का भी थोड़ा गेम होता है, वर्ड यहां पर क्या यूज किया गया था, एल्यूड, तो एल्यूड का मतलब आपको पता होगा तभी आप ये आंसर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, एल्यूड एंड इंसुलेटेड, ये दोनों आपस में नियर अबाउट सेम मीनिंग है इनकी, क्लियर, समझ गए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ में क्या है, हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स ड्यू टू लाइटनिंग इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, कितने लोगों ने यहां पर, कितनी लोगों की डेथ हुई है किससे, लाइटनिंग मतलब जो बिजली गिरती है उससे कितने लोग की डेथ हुई है, 10, 7, 16, 8, कितने लोग थे। तो अब अगर आपने रीड किया होगा पैसेज को, पैसेज में कहां पर था ये, मैंने आपको बताया कि अगर पैसेज एक बार आप फास्ट रीड किए कंसंट्रेशन के साथ तो आंसर सभी मिलेंगे आपको, आंसर कहां मिलेगा इसको, इन अ सेपरेट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट दिया गया है ना इसमें, देखो कहां पर है ये, क्या क्या दिया गया है, इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देखो कहां पर है ये राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यहां पर आप देखोगे 10 शॉप्स, यहां पर जो बात हो रही है मनाली की बात हो रही है, यहां पर राजस्थान उत्तर प्रदेश की बात नहीं हुई है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक, आगे देखो यहां पर दिया गया है, मीनवाइल आईएमडी सेड देयर फेवरेबल कंडीशन एडवांस साउथ दिल्ली सम पार्ट ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश हरियाणा, द वेदर एजेंसी सेट कंडीशन बिकमिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉनसून हैज क्लेम्ड, देखो यहां पर दिया गया है 28 पीपल, ठीक है, कितने लोग मारे गए हैं, 28 लोग की डेथ हुई है सेपरेट, यहां पर किसमें, लाइटनिंग में, ठीक। तो अगर आप देखोगे यहां पर क्या 28 दिया गया कहीं पर, क्या 28 कहीं पर भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसमें, नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पढ़ना क्या था इसमें आपको, लाइटनिंग वर्ड देखना था और राजस्थान और उत्तर प्रदेश देखना था, बस यही इसके क्या है, बोल्ड वर्ड, मैं आपको बोला था एक बुलेट वर्ड उठाओ वहां से और वही स्किमिंग कर दो, तो लाइटनिंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान हमने देखा इसमें और वही हमने पैराग्राफ में स्टार्ट किया देखने के लिए, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आगे समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द पैसेज गिवन अबव, अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि किस तरह से आपने पढ़ा हुआ पैसेज को, कितने कॉन्सेंट्रेटली। चलो फर्स्ट देखते हैं, पार्ट ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड हैव बीन फेसिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैवी मॉनसून, क्या है इसमें, क्या ये ट्रू है क्या, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव बीन फेसिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैवी मॉनसून, द NH7 हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द डेवरीज कॉज ड्यू टू द लैंडस्लाइड, रिस्टोरेशन वर्क इज अंडर वे इन द वोल्टार एरिया ऑफ कश्मीर गंगाबल डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, क्या फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड फेसिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये तो सही मुझे लगता है, हमने पढ़ा था इसको, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, देखो इसमें सही है ये, कहां पर दिया गया आपको, यहां पर देखो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, ठीक है, ये भी हमारा अफेक्टेड है और उत्तराखंड भी अफेक्टेड है, ठीक, क्लियर है क्या, यहां पर देखो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड दोनों की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट है हमारा, ठीक, बट अब देखते हैं क्या सेकंड भी करेक्ट है क्या,
NH7 हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द डेवरीज कॉज ड्यू टू लैंडस्लाइड। ये भी करेक्ट है, ये भी हमने पढ़ा था। यहां पर देखो ये भी दिया हुआ है, ठीक, NH7 देखो यहां पर दिया है, क्या बोला गया इसमें, हिमाचल स्टेट सच उत्तराखंड जम्मू कश्मीर विटनेस टोरेंशियल विजुअल फ्रॉम ANI शोज डेवरीज, यहां पर दिया है डेवरीज फ्रॉम लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 नियर चमोली। ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों करेक्ट हो गए। क्या सभी करेक्ट होंगे क्या, देखो एक बार चेक करो। और लास्ट का देखते हैं एक बार, लास्ट में क्या दिया गया है, रिस्टोरेशन वर्क इज अंडर वे इन द वटलार एरिया ऑफ कश्मीर गंगाबल डिस्ट्रिक्ट। अब ये करेक्ट है क्या, ये इंपॉर्टेंट है अब लास्ट वाला। हाँ ये कहां पर दिया गया देखो, वेयर इज रिस्टोरेशन वर्क इज अंडर वे इन द वटलार एरिया ऑफ कश्मीर गेंदरबल। ये दिखा के आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही था इसमें, ये अगर आप एक ही बार कॉन्सेंट्रेटली नहीं पढ़े होते, वहां पर क्या दिया है, गंगाबल दिया है, गंगाबल नहीं है, क्या है, गेंदरबल है, तो ऑप्शन सी उसमें इनकरेक्ट है। समझ में आया क्या सभी को, ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बाकी दोनों करेक्ट है। गेंदरबल यहां पर दिया है और वहां पर क्या है, गंगाबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट ऑप्शन सी सभी क्या है इसमें करेक्ट है, ऑल एक्सेप्ट सी। तो कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको आंसर करना है। देखो नियर अबाउट यही दिया गया था, गंगाबल ही, बट गंगाबल ना क्या वहां पर गेंदरबल है, ठीक, बाकी दोनों करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। What challenges has the state Himachal been facing severely as mentioned in the passage? इसमें क्या होगा, 6 में आंसर। अब पूछा क्या गया इसमें, बोला क्या गया है, What challenges, कौन से challenges हैं, has the state of Himachal been facing severely, एक वर्ड क्या है इसमें, सीवियरली वर्ड आया हुआ है, एज मेंशन इन द पैसेज, मतलब सबसे सीवियर यहां पर चैलेंज क्या फेस कर रहा है हिमाचल प्रदेश। मेनी पीपल हैव टर्न्ड वर्क फ्रॉम होम इन टू वर्क फॉर हिमाचल प्रदेश, नहीं ये तो करेक्ट है, ये यहाँ पर मतलब इनकरेक्ट है, इसको हम सीवियर चैलेंज नहीं कोई ये, ठीक। फ्लड्स हैव टॉप द चार्ट्स व्हाइल द स्प्रेड ऑफ कोविड केसेस इन द स्टेट वाज ऑलरेडी बीइंग फॉट, देखते हैं। NH7 हैज बीन क्लोज्ड कॉजिंग अ ह्यूज डिस्टरप्शन ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट हार्मिंग द लॉजिस्टिक्स, नहीं। द बागसूनॉग विलेज हैज नॉट बीन एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द नंबर ऑफ कोविड केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे यहाँ पर दिया गया आपको कि फ्लड हैव टॉप द चार्ट, मतलब फ्लड आने के कारण वो क्या हो गया है अपना स्टेट, वो सबसे ऊपर है फ्लड आने के मामले में, और क्या हुआ साथ साथ में, स्प्रेड ऑफ कोविड केसेस, कोविड भी आगे साथ साथ में इन द स्टेट वॉज ऑलरेडी बिगिन टू फॉल। तो दो दो यहां पर चैलेंजेस आ चुके हैं, तो यही क्या हमारे सीवियरली चैलेंजेस है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। आ गया सभी को समझ में ये फर्स्ट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट वर द लेटेस्ट प्रेडिक्शन, लेटेस्ट प्रेडिक्शन क्या है IMD का, इंडिकेटेड इन द पैसेज। द IMD हैज सेड दैट देयर आर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल नहीं बोला यहां पर, क्या बोला ये देखो, अनफेवरेबल बोला है, और साथ साथ में इसको देयर इज अ सर्ज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ओवर चमोली, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ चमोली, हरियाणा एंड कश्मीर टुडे, ठीक। अब इसमें क्या क्या होगा करेक्ट, देखो IMD ने क्या इशू किया है, क्या प्रेडिक्शन किया है, देखो यहां पर दिया हुआ है, मीनवाइल IMD सेड दैट देयर आर फेवरेबल, पहला तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, कंडीशन फॉर द एडवांस ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून ओवर दिल्ली, चमोली है भी नहीं, सेकंड भी इनकरेक्ट है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब है ये, ठीक है, हरियाणा एंड राजस्थान टुडे, द वेदर एजेंसी सेड कंडीशन आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर अ एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर। तो एक भी सेंटेंस वहां पर करेक्ट नहीं है, ठीक। देखो क्या दिया है, अनफेवरेबल ये तो इनकरेक्ट हो गया, मॉनसून ओवर चमोली नहीं डेली है,
सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट, चमोली नहीं होगा यहाँ पर, राजस्थान होगा, ठीक है, हरियाणा एंड कश्मीर टूडे नहीं, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया ये सबको? तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज 1 to 7। अब इसमें आपने क्या देखा कि एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस पर था, वो गैप के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, एक आपको पता है वर्ड सफल का एक्सरसाइज होता है, वो वर्ड सफल के ऊपर था, बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थे। कुछ डेटा भी पूछा गया था इसमें और डेटा आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे नेक्स्ट पैसेज क्या है हमारा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। अब पैसेज क्या समझो इसको, थोड़ा बड़ा पैसेज है ये, समझना है थोड़ा इसका, इसको पैसेज क्या है, मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ में रीड करो, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मशीन अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स विच इन्वॉल्व्स कॉन्शियसनेस एंड इमोशनैलिटी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्मर एंड द लिटल कैटेगरीज इज ऑफर्ड often revealed by the acronym chosen. Strong AI is usually labeled as artificial general intelligence, while attempt to emulate natural intelligence have been called artificial biological intelligence. Leading AI textbook define the field as the study of intelligent agent, any device that perceive its environment and take action that maximize its chance of successful achieving its goals. Colloquially, the term artificial intelligence is often used to describe machines that mimic functions that humans associate with the human mind, such as learning and problem solving. As machines become increasingly capable, tasks considered to require intelligence are often removed from the definition of AI, a phenomenon known as the AI effect. A quip in Tesla's theorem says AI is whatever has not been done yet. For instance, optical character recognition is frequently excluded from the things considered to be AI, having become a routine technology. Modern machine capability generally classified as AI includes successful understanding human speech, competing at the highest level in a strategic game system, and also in perfect information games like poker, self-driving cars, intelligent routing, in content delivery networks, and military simulation. आगे क्या बोला गया? Artificial intelligence was founded as an academic discipline in 1955 and in the years since has experienced several waves of optimism, followed by disappointment and the loss of funding, followed by new approaches, success and renewed funding after Alpha Go successfully defeated a professional Go player in 2015. Artificial intelligence open once again attract widespread global attention for most of its history. AI research has been divided into subfield that often fail to communicate with each other. These subfields are based on technical consideration such as particular goals, the use of particular tools, or deep philosophical differences. Subfields have also been based on social factors. The traditional problems of AI research include reasoning, knowledge, representation, planning, learning, natural languages, processing, perception, and the ability to move and manipulate objects. AGI is among the field's long-term goals. Approaches include statistical method, computational intelligence, and traditional symbolic AI. Many tools are used in AI, including version of search and mathematical optimization, artificial neural network, and methods based on statistics, probability, and economics. The AI field draws upon computer science, information engineering, mathematics, psychology, linguistics, philosophy, and many other fields. The field was founded on the assumption that human intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it. And last mein kya diya gaya hai? This raises philosophical argument about the mind and the ethics of creating artificial beings endowed with a human-like intelligence. These issues have been explored by myth, fictions, and philosophy since antiquity. Some people also consider AI to be danger to humanity if it progresses unabated. Others believe that AI, unlike
प्रीवियस टेक्नोलॉजी रेजोल्यूशंस सॉरी रेवोल्यूशन विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट इन द 21st सेंचुरी एआई टेक्निक्स हैव एक्सपीरियंस अ रिसर्जेंस फॉलोइंग कंकरेंट एडवांसेस इन कंप्यूटर पावर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एआई टेक्निक्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हेल्पिंग टू सॉल्व मेनी चैलेंजेस प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। अब पूरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है, एआई के बारे में बताया गया है, एआई को कंपेयर किया गया है ह्यूमन से, ह्यूमन किस तरह इमोशनल होते हैं, वो किस तरह डिसीजन लेते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब बताया गया है। अगर एआई को रोका नहीं गया तो क्या हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम क्या सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, ये सब चीजें इसमें जिक्र किए, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम देखेंगे इसमें से कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ मशीन कम्स अंडर एआई अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब देखो जो क्वेश्चन में है यहीं पर एक पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ अ मशीन कम्स अंडर एआई अकॉर्डिंग टू पैसेज, कौन सी कैपेबिलिटी होती है उन मशीन्स के अंदर जो एआई में आते हैं। सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स लाइक पोकर, कंपीटिंग एट लोएस्ट लेवल इन स्ट्रेटजिक गेम सिस्टम। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आपको सेकंड स्लाइड पर दिया गया है, क्या दिया गया है, एआई मॉडर्न मशीन कैपेबिलिटी जनरली क्लासिफाइड एज एआई इंक्लूड सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, केवल वन ही करेक्ट है इसमें, ओनली वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स लाइक पोकर, वहां पर क्या गया है, इनपरफेक्ट बोला गया है, इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स लाइक पोकर, कंपीटिंग एट द लोएस्ट लेवल इन स्ट्रेटजिक गेम सिस्टम, नहीं ये सब वो नहीं होंगे इसमें, आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट वाला आपको डायरेक्टली मिल गया। वर्ड क्या था, मैंने क्या बताया आपको कि वर्ड को लेकर के आप उसमें स्किम करोगे, कैपेबिलिटीज और क्या दिया था, मशीन एंड एआई, ये तीन वर्ड थे, इसको आपने सर्च किया, डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, व्हाट आर द बिलीफ्स ऑफ मेनी पीपल अबाउट एआई अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब ये पूछा गया कि लोगों के क्या बिलीफ्स हैं, ठीक है, उनके एक बिलीफ का मतलब क्या होता है, उनके जो बोल सकते हैं एक नेगेटिव वर्ड है, बिलीफ का मतलब क्या है, अंधविश्वास बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब एआई फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग बाय मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड स्मार्टर, नहीं ये तो बोला ही नहीं गया है। एआई मे पेरिल टू ह्यूमैनिटी इफ इट प्रोसेस्ड रॉन्गली एट एनी केस, अब क्या ये बोला गया है क्या पैसेज में, तो देखो क्या दिया गया है, सम पीपल ऑल्सो कंसिडर एआई टू बी डेंजर टू ह्यूमैनिटी इफ इट प्रोग्रेस अनएबेटेड, अगर इसके प्रोग्रेस को रोका नहीं गया, अनएबेटेड मतलब बिना रुके हुए आगे बढ़ता रहा। अदर बिलीव दैट एआई अनलाइक प्रीवियस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसमें, यहां पर आंसर हो जाएगा, तो क्या दिया गया है, एआई मे पेरिल टू ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी के लिए ये क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, इफ इट प्रोसेस्ड रॉन्गली एट एनी केस, अगर इसको गलत तरीके से यूज किया गया। एआई मे ब्रिंग टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन विच विल लीड टू एनॉर्मस एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये तो होगा ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई वहां पर, ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला भी नहीं हो, क्या होगा, केवल ओनली सेकेंड पॉसिबल है इसमें। आ रहा है क्या समझ में, कैसे यहां पर खोज रहे हैं हम आंसर्स को, आंसर को खोजने का तरीका यही है कि आप जो सेंटेंस दिया गया है, ये अलग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहां से आप वो स्किल चेक करते हैं। आरसी का मतलब क्या है, आपके रीडिंग स्किल को चेक करना, क्या आपने सही से पढ़ा है क्या, इसलिए स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इनका स्टेट सही करेक्ट कर पाओगे इसको। आगे देखो यहां पर आंसर क्या आएगा, ओनली बी, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या होगा, क्या दिया गया 10th में,
व्हाट आर द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एआई अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम कौन सी है, तो देखते हैं कौन कौन सी है। चलो देखो क्या क्या दिया गया है। देखो कहां पर दिया गया है ये देखोगे आप, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम क्या खोजना है आपको, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम कहां पर जिक्र किया गया ट्रेडिशनल प्रॉब्लम का, इंक्लूडिंग वर्जन यहां पर ये देखो, अप्रोचेस इंक्लूड स्टैटिस्टिकल मेथड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रेडिशनल सिंबॉलिक, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ये देखो दिखा ना, द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एआई रिसर्च इंक्लूड रीजनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, ओके हाँ, तो क्या पूछा गया इसमें, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है, तो कौन कौन से ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, ऑफ एआई रिसर्च इंक्लूड रीजनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, ठीक है, लर्निंग नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, परसेप्शन एंड द एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट। ठीक, तो देखो क्या क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, क्या क्या दिया गया है, आ जाओ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेक्ट है, ये तो दिया गया है, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस इसकी बात नहीं हुई है, और क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये भी है, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सिंपल था एकदम, ये आपको डायरेक्टली आपको आंसर में ही मिल गया, कहां पर मिलेगा, पैसेज जैसे रीड किया तुरंत वहीं पर दिख गया आपको कि हाँ ये इसके प्रॉब्लम्स है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज ह्यूमन इंटेलिजेंस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, देखो कहां पर दिया गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, हाँ देखो क्या दिया गया है, द फील्ड वॉज फाउंड इन द अजम्पशन दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी सो प्रिसाइसली डिस्क्राइब द मशीन कैन बी मेड टू स्टिमुलेट इट। अब ये इसी का आंसर है, देखो कहीं पर दिखा क्या, कैन बी मेड टू स्टिमुलेट इट, अब क्या आंसर में है, कहीं पर डायरेक्ट आपको आंसर मिलने ही वाला है, ये भी नहीं है, इट गिव्स अ सपोर्ट टू ऑल ह्यूमन, इट मैक्सिमाइज its chance of achieving its goal, it involves consciousness and emotionality, a machine can be made to simulate it, directly mila answer aapko, directly mil gaya kya, yahi par diya gaya hai to simulate it, clear, yahi answer iska, theek hai, d iska answer hai, theek, chalo aage badhte hain, question number 12, Which of the following word is antonym of the word emulate? अब first thing emulate का meaning क्या होगा, देखो meaning क्या होगा emulate का, emulate का मतलब होता है follow करना, क्या होता है follow करना किसी को, मतलब उनके साथ साथ चलना, ठीक, mimic क्या मतलब क्या है, मजाक करना, lair मतलब क्या है, इनकार करना, ठीक है, और word क्या है इसमें, word क्या दिया गया है, इमिटेट, रेप्रीमेंड, देखो एक तुरंत वर्ड दिखा कि आपको सिंपल वर्ड एकदम, नेगलेक्ट, इमिटेट मतलब फॉलो करना किसी को, हमेशा उसके साथ साथ रहना, और क्या दिया गया है, नेगलेक्ट करना, सिंपल वर्ड, क्या बोल लेना कि भाई मतलब ही नहीं, नेगलेक्ट करना, इनकार कर देना, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, विच आर द फॉलोइंग वर्ड विल फिल द ब्लैंक गिवन इन द सेंटेंस, Colloquially, the term artificial intelligence is often used to describe machine that mimic functions that humans. अब इसमें देखो वर्ड क्या क्या है, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, मतलब ये मेरी इच्छा नहीं है, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, नॉलेज रिलेटेड, तो यही आ जाएगा डायरेक्टली, नॉलेज रिलेटेड,
कॉग्निटिव फंक्शन दैट ह्यूमन एसोसिएट, ठीक है, तो यही इसमें आंसर। कॉर्पोरल क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या है? किसी को फांसी देना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरल, मतलब बहुत ही हार्श पनिशमेंट, ठीक। टेंजिबल, कॉमर्स वाले समझते होंगे, टेंजिबल गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स, इसको टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक हो गया ये। तो यहां पर आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव आंसर आएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज गिवन फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइलाइटेड पार्ट इन द सेंटेंस। तो आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट पूछा गया, इसमें करेक्ट क्या होगा? अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फाउंडेड एज एकेडमिक डिसिप्लिन इन 1955 एंड इन द ईयर विच वॉज एक्सपीरियंस सेवरल वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब देखो विच यहां पर नहीं आएगा, यहां पर हमें टाइम की बात हो रही है, यहां पर विच का यूज नहीं कर सकते हम। जब से एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? सिंस हैव एक्सपीरियंस्ड। सिंस ये क्या है? कंजंक्शन है, विच भी कंजंक्शन है, लेकिन सिंस क्या है? ये टाइम के बारे में बताता है, ये एडवर्बियल कंजंक्शन ऑफ टाइम है। सिंस हैज एक्सपीरियंस सेवरल वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक। तो यही इतना इनकरेक्ट था इसमें, तो यहां पर आएगा सिंस वर्ड, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पैसेज। अब जो हम थर्ड पैसेज सॉल्व करेंगे, उसको मैं रीड नहीं करने वाला हूं, उसको मैं बस डायरेक्टली आपको आपके सामने क्या करूंगा कि पूरा पैसेज मैं दिखाऊंगा आपको। एक मिनट के पैसेज, 30-40 सेकंड के लिए आपको पैसेज में दिखाऊंगा। एक क्या करना है आपको, स्किमिंग करना है पैसेज देखने के बाद, फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से क्या करना है आपको, क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से एक पॉइंट देखना है, मैं आपको क्या बताया, एक बुलेट वर्ड उठाना है और स्किमिंग करना है, ठीक है, और उसके बाद देखना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो यही तरीका हम अपनाने वाले हैं। अभी दो पैसेज में हमने क्या किया, रीड किया, क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने सॉल्व किया, ठीक है, बट अभी वो नहीं करेंगे हम। अभी हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं पैसेज। ये आपके सामने पैसेज है, इंडियाज फैक्ट्री एक्टिविटी ग्रू एट इट्स वीकेस्ट पेस इन अ 7 month इन मार्च एज रिन्यूड लॉकडाउन टू कर्टेल रिसर्जेंस इन COVID-19। ये किसकी बात हो रही है? लॉकडाउन की बात हो रही है, इसमें बिजनेसेस की बात हो रही है, ये सब इसकी बात हुई है, ठीक। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले डायरेक्टली पैसेज को, ठीक है, देख लो एक बार आपके सामने, ये 20 सेकंड के लिए है, ठीक है। लाइक क्या क्या दिया गया इसमें, क्या देखो, सर्वे किया गया है, सर्वे सोड, ठीक है, लास्ट वीक गवर्नमेंट एडवाइज स्टेट ट्राई टू कंट्रोल रैपिड स्प्रेड, ठीक है। और क्या बात हुई इसमें, देखो इंडेक्स की कोई तो बात हुई है बाई IHS मार्केट, ठीक है, डिक्लाइन टू 7 month लो, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन टू इट्स लोएस्ट सिंस 2020, ठीक, ये सब दिया गया है, ठीक है, ये भी एक इन्फ्लेशन टारगेट 2-6%, ये सब चीजें देख लो इसमें, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, व्हाई डिड द ऑथर से दैट फैक्ट्रीज कुड बी इन फार अ टफ अप्रैल। हाँ, अब ये आंसर कहां मिलेगा आपको, फार अ टफ अप्रैल कहां पर मिलेगा? चलो आ जाओ, कहां पर दिख रहा है, देखो क्या दिया गया है, फॉर अ टफ अप्रैल मिल गया, डायरेक्टली आपको वही मिल गया। अब इसके पहले से को क्या दिया गया है, टाइटर रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटी सजेस्ट फैक्ट्रीज कुड बी इन फॉर अ टफर सॉरी टफ अप्रैल। उसके और पहले क्या दिया गया है, क्या क्या है, लास्ट वीक द गवर्नमेंट एडवाइज स्टेट टू ट्राई एंड कंट्रोल द रैपिड स्प्रेड ऑफ वायरस। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा इसमें, अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है आपके सामने, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, फैक्ट्रीज कुड बी इन फॉर अ टफ अप्रैल बिकॉज दे आर अनेबल टू मीट द टारगेट डिमांड, ये है फर्स्ट, ठीक, बिकॉज द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग फर्म टू इंक्रीज, बिल्कुल गलत है, बिकॉज इंडियाज फैक्ट्री एक्टिविटी ग्रू इट इट्स वीकेस्ट पेस इन 7 month इन अ मंथ ऑफ मार्च बाय सीइंग द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। पर्टिकुलर एकदम यही लाइन, डिटो लाइन ही आपको वहां पर रिपीट किया गया है,
ड्यू टू द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19। तो यही इसका आंसर है। ठीक, जो आपको वहां पर रिपीट किया पैराग्राफ के अंदर वही आपको आंसर करना है, खुद से आंसर क्रिएट नहीं करना है। ठीक, तो डी में इसका जो दिया गया है ऑप्शन में वही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्लियर हो गया सबको ना, एक पर्टिकुलर सेंटेंस यही दिया हुआ था आपके पैसेज में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है। देखो 16 में क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग, कम होने का किस चीज का सब इंडेक्स इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग ऑर्डर इन मार्च। मैंने आपको बताया था वहां पर कि इंडेक्स की बात हुई है, और इंडेक्स की बात हुई है तो उस पर क्वेश्चन भी बन गया आपके सामने। ठीक, रीजन क्या है बिहाइंड द डिक्लाइनिंग सब इंडेक्स इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग ऑर्डर्स इन मार्च, कौन कौन सी रीजन है। आउटपुट ग्रू एट इट्स वीकेस्ट पेस इन 7 मंथ, डिमांड ग्रोथ वॉज रिस्ट्रेन्ड बाय द एक्सपांशन द कोविड-19 पैंडेमिक, इंक्रीज इन इनपुट बाइंग वॉज अब्रिज्ड बाय एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स। आंसर क्या होगा इसमें, क्या आएगा आंसर, देखो चलते हैं अपने पैसेज के ऊपर कि क्या है डिक्स सब इंडेक्स डिक्लाइन होने का रीजन क्या है इसमें। तो देखो कहां मिलेगा आपको, डिक्लाइनिंग अ 7 मंथ लो 55.4 लास्ट मंथ फ्रॉम फरवरी टू रीइमेजिन अबव 50% लेवल, सेपरेट यहां पर दिया है क्या, सब इंडेक्स की बात हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रोथ कंस्ट्रेन, हाँ यहां पर दिया है। देखो अगर ये आप देखोगे, डिस्पाइट फॉरेन ऑर्डर्स ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस इन मार्च, अ सब इंडेक्स ट्रैकिंग ओवरऑल डिमांड डिक्लाइन, ये तो सही है कि फॉरेन ऑर्डर ग्रो किए फिर भी क्या हुआ यहां पर, सब इंडेक्स क्या हुआ, डिमांड डिक्लाइन हुए, टू इट्स लोएस्ट सिंस मार्च 2020। आउटपुट ऑल्सो ग्रीव एट इट्स वीकेस्ट पेस इन 7 मंथ। ठीक है, तो ये दोनों यहां पर आपको दिख रहे होंगे, दो चीजें हैं। देखो क्या क्या दिया गया है, एक तो है और यहां पर क्या दिया गया है, वाइल द राइज इन द इनपुट बाइंग वॉज कर्टेल बाय द इंटेंसिफिकेशन कॉस्ट। ठीक है, सेड पॉलिनिमा डी लीमा इकोनॉमिक्स एसोसिएट, तो क्या क्या मिला, सर्वे पार्टिसिपेंट्स इंडिकेटेड दैट डिमांड ग्रोथ वॉज कंस्ट्रेंड, डिमांड ग्रोथ कंस्ट्रेन हो गया था बाय एस्केलेशन ऑफ कोविड पैंडमिक, वाइल द राइज इन इनपुट बाइंग, ये दो चीजें हैं। अब दोनों कहां पर मिलेंगी आपको, देखो ये दिखा क्या आपको, डिमांड ग्रोथ वॉज रिस्ट्रेन्ड इंक्रीज इन इनपुट बाइंग्स, बी एंड सी ये दोनों इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों होंगे। ठीक, क्लियर, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो 17 में क्या होगा, देखो What according to the author is the biggest risk the outlook? अब यहां पर देखो, ये भी हमने देखा था ना, आउटलुक की बात हुई थी वहां पर, आउटलुक के बारे में बात किया गया था, बिगेस्ट रिस्क क्या है। इनपुट एंड आउटपुट प्राइजेस इंक्रीज एट अ स्लोअर पेस लास्ट मंथ, ठीक, सिग्नलिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन दैट एक्सीलेटेड टू द 3 मंथ हाई इन फेब्रुवरी, Due to surge in coronavirus case prediction to grow at faster pace of Asia's largest economy might be go wrong. ठीक, चलो आते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया आपको, आपके पैराग्राफ में क्या दिया है, biggest risk to the outlook. बस खोजना क्या है आपको पैराग्राफ में, biggest risk के बारे में, biggest risk क्या है outlook की, कहाँ पर दिया गया है चेक करो। बिगेस्ट रिस्क टू द आउटलुक, देखो यहां पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट सेड अ सर्ज इन कोरोना वायरस केसेज वॉज द बिगेस्ट रिस्क, बस इतना इसका आंसर है, सर्ज इन कोरोना वायरस केसेज, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ये इसका आंसर है बी वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है।
टाइटल पूछा गया है, तो देखो टाइटल कैसे डिसाइड करते हैं, पूरे पैसेज को रीड करना पड़ेगा टाइटल के लिए। और क्या क्या बात हुई वहां पर, फैक्ट्री एक्टिविटीज स्लो टू 7 मंथ लो, रिन्यूड लॉकडाउन, ये दोनों यहाँ पर बात हुई है। लॉकडाउन खुला है और फैक्ट्री की जो है वहां पर एक्टिविटी स्लो थी, कम थी, ये सब बताया गया है। तो ए ही इसका क्या होगा, आंसर होगा 7 मंथ कंडीशन नहीं, इंपैक्ट ऑफ रिसर्जेंस नहीं, हाउ एशिया इज थर्ड लार्जेस्ट, केवल इसी की बात नहीं हुई है, जो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ओपनिंग पैसेज हुआ, यहीं से ओपनिंग हुआ इसका, ठीक, जो फैक्ट्री की बात हुई पूरे पैसेज में, और उसके कब बात हुई है, 7 मंथ लो, और लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के बाद की बात हुई है, ठीक। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के। इज द मोस्ट सिमिलर किसके, स्प्री के बारे में, स्प्री का मतलब क्या होता है, स्प्री का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक। तो यहां पर अगर देखोगे आंसर क्या है इसका, स्प्री का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। चलो 19 में आंसर क्या होगा इसका, 19 में आंसर जाकर देखेंगे तो ये जो बी में दिया गया है स्प्लर्ज, स्प्लर्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ही खुश रहना, ठीक है। हसल, हसल मतलब क्या होता है, स्ट्रगल वगैरह होता होगा, तो सिमिलर मीनिंग पूछा है तो ये स्प्री हो जाएगा इसका सिमिलर मीनिंग, ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक में क्या फिल करेंगे हम, तो ब्लैंक में क्या होगा, अगर आप देखोगे जो ब्लैंक दिया गया है वहां पर आएगा एक वर्ड है, पहले तो ब्लैंक हम देख लेते क्या है, यहां पर होगा डोमेस्टिक डिमांड एंड आउटपुट केसेस, यहां पर एक वर्ड है डैम्पेन, लास्ट में दिया गया था ना, डैम्पेन का मतलब होता है स्लो होना, ठीक है, तो यहां पर स्लो वर्ड आएगा। तो ये था हमारा ये पैसेज, ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे फिर, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।